अभी अभी पहुंची है लड़की कुल्लू से। हेलो भाई, रुक रुक, तेरे लिए तेरे से कुछ बात करनी है। तेरा गिफ्ट अभी पहुंचने वाला है, तेरा सरप्राइज थोड़ा जल्दी होने वाला है और तेरा गिफ्ट अभी पहुंच चुका है। कितनी खुशी है। टन टन, हमारी बस पहुंच चुकी है। देखिए देखिए, हमारी बहनें आ चुकी है। देखिए, तुम दोनों इतना क्यों शर्मा रही है? देखिए, पहुंच गया, पहुंच गया। टन टन, गिफ्ट पहुंच गया। ये है जी फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ। तो बैठिए, परे बैठिए, जरा अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। देखिए, पहले आते ही मतलब अनामिका करेगी इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि इसका ही गिफ्ट है ये। हेलो गाइस, तो चलिए करिए अनबॉक्सिंग अनामिका। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लाइफ ऑफ कुल्लू। सो गाइस, कैसा आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं तो आपको बढ़िया दिख ही रही हूँ। तो ये ब्लॉग जो है शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी के लिए और मेरी बहन के लिए भी एक खुशखबरी है। तो आपको पता लगता जाएगा कि मैं किस खुशखबरी की बात कर रही हूँ। तो पहले ये खुशखबरी मैं अपनी बहन को सुनाती हूँ, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि मैं किस खुशखबरी की बात कर रही हूँ। तो अभी उस खुशखबरी के लिए आप सभी को इंतज़ार करना पड़ेगा, आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चलती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हवा ही हवा, और शाम का मौसम देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी अभी पहुँची है लड़की कुल्लू से। हेलो भाई, रुक रुक, तेरे लिए तेरे से कुछ बात करनी है। तेरा गिफ्ट अभी पहुँचने वाला है, तेरा सरप्राइज थोड़ा जल्दी होने वाला है और तेरा गिफ्ट अभी पहुँच चुका है। कितनी खुशी है, पता तो है इसको कि फोन आने वाला है। हाँ, हम नहीं दिया है तेरे को फोन। वैसे इसको फोन देने का प्लान मेरा है, पर हेल्प जीजू ने की है, जैसे कि हर टाइम जीजू ही हेल्प करते हैं। तो अपनी खुशी बता, इस टाइम कैसी हो रही है? तेरा फोन वैसे कल आने वाला था, पर आज ही पहुंच गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। चलता वैसे ही रखी, ऐसे ही कपड़े मत चेंज करी अभी ना, अभी मत करी, क्योंकि अनबॉक्सिंग करनी है फोन की। तब सीमा को दे आने, उसके बाद करेंगे हम अनबॉक्सिंग। तब तक रुकिए, आप सभी भी, आपको दिखाएंगे सरप्राइज। तो दोस्तों, अभी मैं भी यहाँ पर बैठी हुई हूँ क्योंकि बस का इंतजार कर रही है। ये 5:30 वाली बस में आई है और फोन अभी 6:30 वाली बस में आने वाला है। तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अनबॉक्सिंग का। आप सभी को भी एक्साइटमेंट होगी कि भाई कैसे फोन होगा, कैसे वो सब। अनामिका तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, मैं भी खुश हो गई हूँ कि इतनी जल्दी आ गया, क्योंकि मैंने खुद सोचा था कि मैं कुल्लू जाऊँगी उसके लिए, पर जल्दबाजी में चीज़ें हो जाती है कई बार। तो बस अभी हम फटाफट से अनबॉक्सिंग करेंगे। हेलो। देखो यहाँ पर ये इकट्ठा हो गई है, तो अभी बस नहीं आई है, बस जब आएगी तब लग जाएगा मार्ग पता कहाँ से, यहाँ से दिखेगी मार्ग बस पर रोड से। तो जब आएगी तब लेने जाना तुम, वो कोई एक फोन लाएगी सरस्वती ना, उसके पास जाना, ठीक है? लाने जाएंगे ना तुम, जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, जाएगी ना? हाँ जी, जुथड़। तो किसी कारणवश हमारी बस लेट हो गई, 6:30 वैसे उजाला ही होता था। तो अभी बस परे से आ रही है, देखो लेट हो गई बस। अदरवाइज़ हमने सोचा था हम लैंडर के ऊपर अनबॉक्सिंग करेंगे बढ़िया तरीके से, बट आज बस लेट हो गई है। तो अभी वेट करते हैं बस का। टन टन, हमारी बस पहुंच चुकी है। देखिए देखिए देखिए, सरकारी बस पहुंच चुकी है हमारी, 6:30 वाली। हमारी बहनें आ चुकी है, देखिए। तुम दोनों इतना क्यों शर्मा रही है? देखिए, पहुंच गया, पहुंच गया। टन टन, गिफ्ट पहुंच गया। ये है जी फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ। तो बैठिए, परे बैठिए, जरा अनबॉक्सिंग करेंगे अभी। देखिए, पहले आते ही मतलब अनामिका करेगी इसकी अनबॉक्सिंग, क्योंकि इसका ही गिफ्ट है ये।
वैसे इसकी अनबॉक्सिंग शायद जीजू ने की होनी, कुल्लू में की होनी जीजू ने, क्योंकि एक बार चेक करना पड़ता है। तो अभी करेगी अनामिका इसकी अनबॉक्सिंग। हेलो गाइस, हेलो गाइस। तो चलिए करिए अनबॉक्सिंग अनामिका। एक्साइटेड? खुशी कितनी है? ये जरा कम बोलती है लड़की। लड़की ज्यादा बोलेगी अब। देखिए इसका नाम उल्टा क्लू। नाम दिखा पहले। ऐसा है, पोको M6 Plus। पोको M6 Plus। तो ऐसा है, खोल जाएगा अभी कागज में। देखो अभी ऐसा है। वाह भाई, दिखाने एक बार ऑडियंस को आगे कि कैसा है। ओहो, चमक रहा है ये तो बहुत ज्यादा। ब्लैक फोन, ब्लैक। आप सभी को कैसे लगा? इनको लगा अच्छा धूप था, तेरे को कैसा लगा? अच्छा, अच्छा लगा। बहुत तो कुछ बोलना चाहेगी? क्या बोलना, खुशी और क्या। ताली बजाओ भाई इसके लिए, फोन आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो इसको। कॉन्ग्रेचुलेशन अनामिका, खुशी देखो इनकी। कुछ बोलना चाहेगी? कुछ बोलना चाहेगी? हाँ कुछ बोलो। और जीजू का बहुत बहुत धन्यवाद, इनकी वजह से मेरे को फोन मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, इन सब की वजह से भी, क्योंकि सब घात है इसमें, ऐसा नहीं की सिर्फ, पर मेन मतलब था आपका। हाँ, तो फोन शायद सिम मांग रहा है, तो सिम लगाने के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। और देखिए कितना खूबसूरत फोन लग रहा है, बहुत ही अच्छा है वैसे। ये इसका कवर है, ये कवर मिल गया है। अच्छा फोन है, बहुत अच्छा है। ये भी निकाला ना मेरे, इसके अंदर क्या क्या है दिखा बोला। निकाल, चार्जर वगैरह है। ये इसका चार्जर, इसकी तार, वायर और कुछ, और ये इसमें कवर मिला है सिम, बस ये चीजें मिली है इसमें। सिम इसमें मिलेगी है। ये तो यार सिम की बात कर रही है लड़की। सिमा को भी मिलेगा कुछ टाइम बाद फोन, सिमा को भी मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सबको मिलेगा। तो अभी मुंह मीठा करवाते इनका, फोन ना बहुत जल्दबाजी में आ गए थे, जीजू कुल्लू पहुंच गए थे, तो मैं उनको बता, मैं उनको बोलना भूल गई कि लड्डू का पैकेट भी भेज देना। तो मेरे को थोड़ी लेट लगा पता, मैंने फोन जल्दी नहीं उठाया, तो तब करके हम मिठाई नहीं ला पाए। तो मुंह मीठा करवा सी मैं इनका मुंह मीठा, यहाँ पर जो जो आए बेचारे अनबॉक्सिंग के टाइम में। खुद देना आपसे, सबसे पहले तो इसका मुंह मीठा करवाओ। हाँ क्यों तेरे को देना, चल इनको दे, तब खुशी में तुम्हारे को खिल्ला बांटी जा रही है। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हारे को? तुम्हारे को भी आ जाएगा फोन, बड़ी हो जाओ तुम, प्लस टू पास करो, उसके बाद मिल जाएगा फोन। अनामिका को, अर्चना को भी दो पीछे। बाद ये शर्मा रही है ब्लॉग में आने के लिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो इस शर्मीली लड़की को गिरा दियो ये सारी। चलो अब मैं थोड़ा फीलिंग ले लेती हूँ अनामिका। मैंने तो ले ली, वैसे फोन तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का भी है, ठीक ही, उतना भारी मेरे फोन से हल्का है, ये मेरा थोड़ा भारी है, क्योंकि ये थोड़ा भारी था और ये वाला थोड़ा हल्का जैसा है, पर फोन है बहुत अच्छा इसका ना। मुझे पीछे पीछे वाला लुक बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा लुक है। और ये फोन ना साइज में भी बहुत बढ़िया है, जितना बड़ा चाहिए उतना ही है। और पीछे से देखिए लुक बहुत ही, लुक वाइज ये फोन बहुत ही अच्छा है। वैसे ये आजकल ट्रेंडिंग में चले ये वाले फोन, पोको M6 Plus 5G फोन। ये हमारे को पड़ा है, चलो प्राइस भी बता देती हूँ, ये पड़ा है 12,000 का, और वैसे ये 16,000 का फोन था, तो आजकल इसका एक दिन में ऑफर चला था, तो तब करके हमें ये 12,000 का पड़ा है, इतने प्राइस का है ये। वैसे अनामिका थोड़ी थक भी गई है ना, ये कुल्लू से आती है ना एकेडमी जाती है, तो तब करके थोड़ा थक गई है। तो कैसा लगा एक बार बता, लास्ट बार? बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा बढ़िया लगा, सबको लगता अच्छा अपना फोन, तो किसी को भी आएगा। तो चलो आप बताना, आप कमेंट में आपको कैसा लगा। हाँ कमेंट में बताना कि कैसा लगा, देख चुके हैं।
जा तब दिखा आस पड़ोस में, बोल ले जाना खिला इनको खिलाने के लिए, लड्डू का पैकेट लाएंगे और देना। फोन देख दिखाओ, देख कैसे करे बंद, बहुत अच्छा लड्डू पैकेट आना तुझ बोल रोजो ठीक सा। वही तुम्हारे को भी लाना लड्डू का पैकेट और देना ठीक है। लड्डू के पैकेट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, कितने दिनों का इंतजार, बस परसों लाएंगे। तो दोस्तों फोन को देख के तो वैसे सबको ही खुशी होती है, वैसे अनामिका को भी खुशी हो गई है। वैसे थोड़ा कम बोलती है तो अभी छोटी भी है, एक्सपीरियंस भी नहीं होता कैमरे के सामने सबको बोलने का। बाकी मुझे इसके चेहरे को देख के पता, मतलब अभी कैमरे के सामने उतना नहीं दिखा रही है, बट ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, क्योंकि इसको ना बहुत ज़्यादा हो रही थी कि मेरे को फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए। तो पहले मैं इसको मना कर रही थी कि अभी इधर को फ़ोन देना, तो फिर बाद में मैंने सोचा चलो दे देते हैं, क्योंकि इस एज में थोड़ी सी खुशी भी रहती है कि मुझे फ़ोन चाहिए। तो पहले मैं वैसे सच में ही मना कर रही थी इसको कि तेरे को नहीं अभी देना। इसको फ़ोन देने के लिए मुझे डिसाइड करना था कि इसको देना कि नहीं, क्योंकि पापा ने बोला था तू ही देख ले, फिर मुझे सब कुछ डिसाइड करना था, क्योंकि घर की बड़ी मैं हूँ। तो अब जो भी मेरी बहनें छोटी है तो इनके लिए ना मुझे ही फैसला लेना पड़ता हर चीज़ के बारे में, जो भी ऐसे बड़े बड़े फैसले होते हैं। तो मैंने और जीजू ने डिसाइड किया कि ये वाला फ़ोन ले लेते हैं। बाकी हम दोनों की प्लानिंग थी मेरी और जीजू की, ये मक्खी ना बहुत तंग कर रही है। तो जीजू और मैं ना काफ़ी दिनों से डिसाइड कर रहे थे कि हमने कौन सा फ़ोन देना है अनामिका को, और अनामिका को नहीं बताया था, इसको तो मना किया था कि तेरे को नहीं फ़ोन देना, और ये बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। कि इस एज में ना थोड़ा सा रहता है ये कि अगर कुछ चीज़ें नहीं दी जाए तो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, तो तब थोड़ा देखना भी पड़ता है कि बहनों के लिए क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं है, तो ये भी डिसाइड करना पड़ता है। देने को तो चलो पैसे की बात नहीं होती है, बस कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। मैंने इसको डायरेक्ट मना किया था तेरे को अभी फ़ोन नहीं देना है, फिर बाद में हम तो कर रहे थे पीछे से प्लानिंग। तो सबके लिए ये थोड़ा सा सरप्राइज़ था, मेरे लिए भी इतनी जल्दी मैंने सोचा नहीं था, और अनामिका के लिए भी। और अभी अनामिका को फ़ोन दे दिया है, इसको ज़्यादा नाराज़ भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि ये जब नाराज़ हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा मुँह बना लेती है। तो बस इसकी खुशी के लिए इसको फ़ोन दिया है, बाकी मेरी पर्सनली मैं बताऊँ तो मैं मना ही कर रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, अभी दे दिया है, अब इसके हाथ में ये कैसे फ़ोन को यूज़ करेगी। अब ये तब से ना फोन के चक्कर में है, फोन कोई छेड़ जा रही है बस, क्योंकि ये सोच रही है कहाँ से आ गया फोन। अब इसके चक्कर में है, काम भी नहीं कर रही है, काम को छोड़ रही है, काम सुनना पड़ेगा, फोन मिल गया है अब। बाजे से में छेड़ना, अब देखो कुरकुरे खाने।